नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन में हालात खासे खराब बताए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं अन्य देशों समेत भारत के लोग जो यूक्रेन गए हुए हैं, अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन की सरकार ने तमाम फ्लाइट्स को बंद किया हुआ है। ऐसे में अन्य देशों से आए लोगों का बुरा हाल है। युद्ध के चलते वो अपने देश अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। वहीं सितारगंज शहर के एक युवक अजहर मालिक यूक्रेन में MBA की शिक्षा लेने 12 अप्रैल 2021 को गए थे, जिसे सकुशल वापस लाने के लिए उसके पिता अजहर मालिक ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। पिता अजहर मालिक ने कहा कि उन्होंने अपने पुत्र अजहर मालिक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि स्थानीय प्रशासन ने लिस्ट के लिए मांगे थे, उन्होंने सुपुर्द कर दिए हैं। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है और मेरा बेटा MBA करने यूक्रेन गया था 12 अप्रैल 2021। और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब मैंने 15 दिन से मालूम था हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से, ये इंडियंस को निकालना चाहिए था। अभी आला अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, LIU के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था, DM साहब ने लिस्ट जारी की थी। उस पर फ़ोन करने के बाद LIU के इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, उसमें उसका फ़ोटो, उसका ID, उसका पासपोर्ट, वीज़ा, वो सारे मैंने दे दिए थे उनको। तो फिर दोबारा उनसे बात हुई 3-4 घंटे के बाद, तब उन्होंने बताया कि ये DM साहब के थ्रो सरकार को गई थी लिस्ट बना। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सरकार वहाँ से जल्द निकाल के घर लाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।